गुड मॉर्निंग एंड पीस विद यू ऑल. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. और जो आपको काम दिया जा रहा है आप उसको अच्छी तरह से कर रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं. कल हम लोगों ने साबुन की टिकिया जो है वो बेटा पढ़ा था, उसके हमने इमला के अल्फाज भी कर लिए हैं, अल्फाज मानी भी कर लिए हैं, अल्फाज जुमले भी मैंने आपको करने के लिए होमवर्क में दिए थे, और सवाल उसके जो चार सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको लिखवाए थे, और सवाल नंबर पांच का जवाब मैंने कहा था कि आपने खुद से लिखना है. तो अभी आप सब लोग इससे पहले कि आप लोग बुक्स खोलें, आप लोग किताबें खोल सकते हैं. इसी दौरान में जो है सफा नंबर 19 पे आप लोग अपनी किताबें खोल लें. इसी दौरान में जब तक बच्चे किताबें खोल रहे हैं, मैं आप लोगों कि जो बच्चे हैं वो मुझे कॉपीज जो हैं वो चेक करवाएं, जरा शो करें अपने अपने कैमरास में कि आपने काम किया है. शाबाश, अपनी अपनी कॉपी दिखाएं कि आप काम कर रहे हैं. शाबाश, वेरी गुड. अच्छी साफ सुथरी लिखाई में सबने काम करना है, ठीक है. कॉपीज, शाबाश शाबाश, सारी अपनी कॉपीज दिखाएं मुझे. गुड. कोशिश करनी है कि आप लोगों ने ना सिर्फ कॉपीज के ऊपर अपना काम करना है वक्त के साथ, बल्कि आपने जो है इसको याद भी करना है. और कैमरास जो है वो ऑन है, मैं आप सबको देख रही हूँ, सबने एक्टिव होके बैठना है और अच्छी तरह से गौर से मेरी बात को सुनना है कि अभी टीचर क्या बता रही है, ठीक है. सफा नंबर 19 जो है वो यकीनन आप सबने खोल लिया होगा. और आप लोग देख रहे हैं मैंने आज की डेट इसके ऊपर लगाई है, आज 17 जून है, आप डेट लगा सकते हैं. और ये आपका होमवर्क है, ये बहुत आसान काम है. मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एक दफा मैं आपको समझा दूंगी तो आप लोग अच्छी तरह से इस काम को कर सकेंगे. तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि इस नज्म मुख्तलिफ तासुरात अल्फाज की शक्ल में लिखे गए हैं, खाली जगह में वो अल्फाज लिखिए. ये होती हैं आवाजें. सूत होता है इसमें, सूत कवायद में आप इस्तेमाल करते हैं, तो इस्म का मतलब होता है नाम, सूत का मतलब होता है आवाज, यानी कि मुख्तलिफ जो हैं नामों की, मुख्तलिफ चीजों की जो आवाजें हैं वो इसमें सूत कहलाती हैं. इसी तरह से इस नज्म को जब हमने पढ़ा था साबुन की टिकिया को, तो इसके अंदर जो है बहुत दिलचस्प जो है अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे. यहाँ उन्होंने मिसाल भी दी है, ठीक है. मिसाल हम पढ़ लेते हैं, बाकी के लफ्ज आप लोगों ने खुद जो है वहां नज्म को पढ़ना है, ढूंढ के यहाँ पे लिखने हैं. पानी में छप छप, लाते चलाए धम धम धमा धम, आंसू बहाए चम चम चमा चम, साबुन के डर से करता है थर थर, ठीक है. ये मैंने आपको पढ़ाया था तभी से मुझे भी याद है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से आपके ये अल्फाज आएंगे और इस तरह आपकी खाली जगह पूर होंगी, ठीक है. ये समझ आ गया आप सबको. तो हम लोग सवाल नंबर 4 पे आते हैं. सवाल नंबर 4 है, मुख्तलिफ चीजों की आवाजें पढ़िए और कॉपी में लिखिए. ये देखे मुख्तलिफ चीजें आप देखते हो, हमने अभी जैसे पढ़ा मुख्तलिफ जो चीजें होती हैं उनकी आवाजें जो है मुख्तलिफ जो होती हैं वो जो है इसमें सूत कहलाती हैं. और जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज निकालता है, जू जू की आवाज आती है जब हवाई जहाज चलता है, बहते हुए पानी जो है वो शर शर की आवाज आती है, पानी जब बारिश हो रही होती है छम छम की आवाज आती है, जब ट्रेन चलती है तो छुक छुक की आवाज होती है, बूंदे होती हैं पानी की तो वो टिप टिप की आवाज आती है. कभी आपको ऐसा तजर्बा हुआ हो कि जैसे आपकी जो टैप है वो थोड़ी सी खुली रह गई हो, तो आप देखेंगे कि अगर खामोशी है तो बहुत ज्यादा वाजिया उसकी आवाज, जैसे टिप टिप की पानी का कतरा गिरता है तो उसकी आवाज आती है. अगर आपने कभी जो है बारिश, तो यकीनन आप सबने जो है वो तजर्बा किया होगा, बारिश होती रहती है, आप देखते हैं जब बारिश होती है तो हमें खिड़कियों से, रात को भी अगर होती है तो खिड़की से या हमारे रोशनदान से हमें आवाज आती है चम चम की, और हमें पता चलता है कि बारिश हो रही है. इसी तरह से जब पानी बह रहा होता है, बहुत सारा पानी बह रहा होता है, आप लोग देखे हैं नदियों में, आबशारों में, तो शर शर की आवाज जो है बड़ी वाजिया आती है, पानी की आवाज, हवाई जहाज के चलने की आवाज, जू जू, ट्रेन चलती है तो ट्रेन, अगर हमारे घर से काफी दूर भी है तो ट्रेन जब चलती है तो उसकी बहुत वाजिया आवाज हमें आती है छुक छुक की, ठीक है. तो ये आप लोगों ने, आपने सवाल के अंदर भी उन्होंने लिखा है कि इनको आपने पढ़ के अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, ठीक है. ये आपका काम हो गया. आप इसको इसी तरह से कलरफुल बनाने के लिए जो है आप अपनी इसी तरह से रंग भर के, जैसे उन्होंने तस्वीर के अंदर बनाए हुए हैं म्यूजिकल साइन लाइक
उन्होंने उसी तरह से बनाया हुआ है, जैसे म्यूजिक के अंदर जो है इस तरह से साइन आता है उसी तरह से आप बना सकते हैं। और भी किसी खूबसूरत जो है आप इसके गिर जो है वो दायरा लगाना चाहते हैं या आप बादल बनाना चाहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपने इस काम को अपनी कॉपी के अंदर कर सकते हैं कलरफुल सा, ताकि आपको भी अच्छा लगे। ठीक है, यहाँ तक सवाल नंबर 3 और 4 आपको समझ आ गया है, तो आप लोग मुझे जो है वो आंसर करें चैट बॉक्स में, बोलें कि आपको पता चल गया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं कि हमें ये समझ नहीं आया है। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया? ओके, शाबाश, वेरी गुड। अभी सवाल नंबर 5 देखेंगे सब। ठीक है, मसवते वाउल्स बदल कर नए अल्फाज बनाएंगे। ठीक है, ओके, अच्छा बच्चा, जिनको समझ नहीं आया उनके लिए मैं बाद में दोहरा देती हूँ एक दफा से। अभी आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 5। ठीक है, अपने गौर से सुनना है, बाद में एक दफा फिर से मैं जो है सवाल नंबर 3, 4 और 5 को दोहरा दूंगी, इस सफ़े को पूरे के ऊपर जो काम है उसको दोहरा दूंगी। उससे पहले हम लोग देख लेंगे सवाल नंबर 5 पे। ठीक है, अब इसमें देखें आपने मसवते बदल कर नए अल्फाज बनाने हैं। ठीक है, नए अल्फाज बनाने हैं, उसमें देखें आप छोटी क्लासेस में भी ये काम करते आए हैं कि एक लफ्ज लिखा हुआ है हमारे पास, हर्फ लिखा हुआ है अलिफ, और यहाँ है छोटी ए, अलिफ के साथ उन्होंने ये सारे अल्फाज बनाए हुए हैं, तार, चार, पास, बान, चाल। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो अलिफ है, अलिफ जो दरमियान में आ रहा है, आप अगर गौर से देखेंगे तो ये 3 हर्फ बनते हैं, अगर आप इसके जोड़ तोड़ करें तो ये 3 हर्फ बनते हैं, ते अलिफ और रे तार, ते अलिफ और रे तार बनते हैं, ते अलिफ तार रे तार है। तो हम जो है अलिफ को बीच में से काट के उसकी जगह हमने छोटी ए लगा देना है, तो हमारे पास लफ्ज क्या बन जाएगा, मिसाल में उन्होंने बताया है तीर, क्या लफ्ज बन जाएगा, तीर, क्या लफ्ज बन जाएगा, तीर। और आप देखेंगे तीर के नीचे छोटा सा जबर का निशान भी उन्होंने लगाया है, क्योंकि छोटी जो है वो उसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमने अगले जो अल्फाज हैं दरमियान वाले हर्फ को जो है वो काट के अलिफ को उसकी जगह पे हमने जो है वो छोटिए लगाना है, तो वो लफ्ज कैसे बदल जाएगा और क्या लफ्ज बन जाएगा, आप लोगों ने चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी मुझे जवाब देने हैं ताकि हम आगे जो है फिर काम को कर सकें। 4 का अगर हम अलिफ हटा देंगे और उसकी जगह छोटिए वाला ये लगा देंगे, उसकी दरमियानी शक्ल जो ये की है छोटिए वाले ये की लगा देंगे, तो क्या लफ्ज बनेगा, जल्दी जल्दी मुझे जो है चैट बॉक्स में आप आंसर करके बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ, शाबाश, सारे बच्चों की तरफ से ज्यादा ज्यादा आंसर आने चाहिए ताकि मैं देखूं, मैं देख रही हूँ कि कितने बच्चे एक्टिव होके बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं टीचर की बात को गौर से। वेरी गुड, शाबाश, सबने गौर से सुनना है टीचर की बात ताकि आपको बाद में काम करने में मुश्किल ना हो, इधर उधर नहीं देखना, टीचर की बात को सुनना है। ठीक है, शाबाश, तो क्या लफ्ज आएगा, क्या बनेगा, अलिफ को हटा के दरमियानी शक्ल में उसकी जगह हम ये लिखेंगे। ठीक है, शाबाश, आप समझ गए हैं, मेरे पास जवाब आ रहा है, चीज नहीं आएगा, चीर आएगा, एक बच्चे ने सही उर्दू में लिख के भेजा है चीर, शाबाश बेटा, तो चीर लफ्ज आएगा। ठीक है, चीर, चीर अब हम कैसे, जैसे तीर को हमने लिखा था वैसे ही हम चीर में छे ये चीर आ गया। ठीक है, ऐसे आपने चीर लिखना है, चीर। ठीक है, समझ आ गया सबको। इसके बाद है पास, पास में जब हम अलिफ हटा देंगे और दरमियानी शक्ल छोटिए की लगा देंगे ये की, तो क्या लफ्ज बनेगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में, आंसर करेंगे, शाबाश। जब आप लोग मुझे आंसर करते हैं फिर मुझे पता चल जाता है कि आप सब जो हैं वो एक्टिव बैठे हुए हैं, गौर से मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब बच्चे जो है वो ध्यान से काम कर रहे हैं। जी बेटा, पीस, ठीक है, अलिफ को हमने हटा दिया और हमने यहाँ पर पे के साथ हमने ये की छोटिए की जो है वो ये की दरमियानी शक्ल लिखी और साथ में हमारे पास सीन आ गया, तो ये हमारे पास लफ्ज क्या बन गया, पीस, क्या लफ्ज बन गया, पीस, शाबाश। ठीक है, उसके बाद अगला लफ्ज है हमारे पास बान, अगला लफ्ज है बान। अब बान ये मैंने आपको, आप लोगों ने इसको आगे जो सारे लफ्ज हैं मैं आपको समझा देती हूँ एक दफा, लेकिन आप लोगों ने खुद करने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, बान है, जब हम बान को बदलेंगे तो वो क्या लफ्ज बन जाएगा,
बीन, किसी एक बच्चे ने जो है वो चाल का भी भेज दिया है चील, और लिखना भी आपको ये आना चाहिए। माल के अंदर अगर हम अलिफ को हटा देंगे और बढ़िए का जो ये की दरमियानी शक्ल लिखेंगे तो हमारे पास लफ्ज आ जाएगा मील। क्या लफ्ज आ जाएगा? मील। ठीक है। उसके बाद जो है, राल के साथ जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? रेल। ठीक है। उसके बाद दार के साथ करेंगे, अलिफ हटा देंगे तो बन जाएगा देर। बाल के साथ हम लोग जो है वो आगे लफ्ज को जब अलिफ को हटा के बढ़िए वाला ये लगाएंगे तो बन जाएगा बैल। ठीक है। उसके बाद जो है इसको आपने गौर से सुनना, ये हो गया। आप देखें पेश के साथ है, ये सारे अराब भी मैंने आपको बताए थे कैसे होते हैं। अब देखें चुना, चुना का जब हमने जहां पे हमने चुना के साथ वहां वाओ लगा देना है तो क्या बन गया? चूना। ठीक है। चूना होता है वो जो सफेद का रंग का होता है, घरों में जो है व्हाइट वॉश के दौरान इस्तेमाल होता है, चूना बन गया। ठीक है। अब भुना है तो क्या लफ्ज बन गया? भूना। ठीक है। क्या लफ्ज बन गया? भूना। अगर ये आपको थोड़ा लिखने में मसला हो तो मैं ये आपको लिख के बता भी सकती हूँ कि भूना लफ्ज आपने इसको लिखना है। ठीक है। सुख का क्या लफ्ज बन गया हमारे पास? सुख के साथ भूना, और उसके बाद सुख हमारे साथ क्या बन गया लफ्ज वहां पे वाव लगाने से? सूख। सूख, सूख बन गया। कुट का क्या बन गया? कूट। कुट का क्या बन गया? कूट। और छुट जो हमारे पास लफ्ज लिखा था उसको जब हमने वाव आगे लगाया तो वो क्या बन गया? छूट। क्या लफ्ज बन गया? छूट। ठीक है। ये सारा आपने जो है अपने होमवर्क पे करना है, ये काम जो है आपने अपनी बुक के ऊपर करना है, या आपने अपनी कॉपी पे करना है, इस काम को भी आपने अपनी बुक के ऊपर करना है। ठीक है। ये काम जो सवाल नंबर 4 उन्होंने लिखा है इसको आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, आवाजों को पढ़ना है और कॉपी में लिखना है। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 5 आपने बुक के ऊपर ही करना है। ठीक है। तो आपने इस काम को जो है अच्छे से समझ लिया है, अब हम आगे जो है इस पेज को टर्न करेंगे और आगे हम काम करेंगे। ठीक है। सारे अपना पेज आगे टर्न कर लें। जी, हम अगले पेज पे आ गए हैं, सफा नंबर 20 के ऊपर। ठीक है। सफा नंबर 20 पे उन्होंने हमें दिया हुआ है कवायद का इस्तेमाल, के और के का इस्तेमाल। अब आप देख रहे होंगे, आप सबको नजर आ रहा होगा, आप लोग खोल चुके हैं अपनी किताबें, के और के का इस्तेमाल। ये दोनों के जो है हम अपने जो जुमलों में इस्तेमाल करते हैं जब हम जुमलों को लिखते हैं, तो वो हमें जो बता रहे हैं कि ये के और दोनों के बीच में फर्क क्या है। आवाजें तो जो है दोनों की एक ही आती है। ठीक है। लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फर्क है। जो हमारे पास पहला जो उन्होंने के लिखा हुआ है काफ, ये वाला जो के हमने लिखा हुआ है, वो जुमलों के दरमियान किसी बयान को वाजिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। जुमलों के इस्तेमाल में किसी बयान को वाजिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे अम्मी ने कहा कि तुम, अम्मी ने कहा था कि जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अम्मी ने कहा था कि अपना काम वक्त पर खत्म कर लेना। ठीक है। ये आ गया के, उन्होंने कॉमास लगा के दोनों तरफ आपको जो मिसाल है जो वो वाजिया की है। ठीक है। फिर मैंने सोचा कि आज मुझे दादी जन के घर जाना चाहिए, या फिर मैंने सोचा कि आज मुझे दादी जन के घर जाना चाहिए। आप ये भी जुमला लिख सकते हैं कि मैंने सोचा कि आज मुझे अपना काम जो है वो वक्त पर मुकम्मल करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा जो है और भी आप लिख सकते हैं कि अब्बू ने कहा कि मेरी
दवाई ला दो। अब्बू ने कहा कि मेरी दवाई ला दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको ये मैंने समझा दिया है किसी बयान को जैसे वाजिया करने के लिए, जैसे आपकी अम्मी आपको कुछ कह रही हैं कि जल्दी घर आ जाना, या जल्दी से वक्त, जल्दी से अपना काम खत्म करो। उस्ताद ने कहा कि अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से करना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आपने 5 जुमले जो है वो बनाने हैं जिनमें के का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, आपने 5 ऐसे जुमले बनाने हैं जिसमें के का इस्तेमाल किया हो। ठीक है, उसके बाद अब जो दूसरा के है हमारे पास, उसमें है वो ताल्लुक को जाहिर करता है। ठीक है, ये आपने कॉपी पे बेटा काम करना है। वो ताल्लुक को जाहिर करता है, कैसे ताल्लुक को जाहिर करता है, ये भाई के जूते हैं। ठीक है, इस दरख्त के पत्ते क्यों सूख गए हैं। ठीक है, ये भाई के जूते हैं, इस दरख्त के पत्ते क्यों सूख गए हैं। आम के दरख्त पर चिड़िया बैठी है, आम के दरख्त पर चिड़िया बैठी है, ये मैं आपको मिसाल बता रही हूँ, आम के दरख्त पर चिड़िया बैठी है। या आपके घर में कितने अफराद हैं, आपके घर में कितने अफराद हैं, या आपके ख्याल में मुन्नू को साबुन से क्यों डर लग रहा था, आपके ख्याल में मुन्नू को साबुन से क्यों डर लग रहा था। ठीक है, या हर तस्वीर के साथ जुमले लिखकर उसे मुकम्मल करें। ठीक है, ये आपने इसी तरह से के भी जो 5 जुमले हैं वो आप लोगों ने बनाने हैं, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद आप सबने गौर से देखना है, नीचे आ रहा है अददी तरतीब। अददी तरतीब, अददी तरतीब का मतलब है तरतीब जाहिर करने वाले अदाद, तरतीब जाहिर करने वाले अदाद। ठीक है, ऐसे अदाद आप जब, हाँ, जैसे आप गिनती लिखते हैं उसमें जो है तरतीब जाहिर करने वाले अदाद, या तरतीब बार आपकी जो पोजीशन को जाहिर करते हैं, तरतीब को जाहिर करते हैं, वो अददी अदाद जो है वो कहलाते हैं। अददी तरतीब क्या होती है, जैसे हम लोग पोजीशंस निकालते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, इसी तरह से हम उनको पढ़ते जाते हैं। तो आज जो है उन्होंने हमें जो मिसाल दी है, आज रमजान की 11 तारीख है, आज 11वां रोजा है। ठीक है, या उन्होंने तरतीब उसकी वाजिया कर दी है कि कौन से नंबर का है, तरतीब बार उसको बता दिया है। ठीक है, तो दी गई गिनती की अददी तरतीब आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, यहाँ उन्होंने आपको लिखा हुआ है 11 है तो वो 11वां आ गया। ठीक है, 12 है तो क्या आ जाएगा, जी जल्दी से बताएं जरा मुझे क्या आ जाएगा, 12 लिखा हुआ है तो क्या आ जाएगा, लिखेंगे हम यहाँ पर, जी जल्दी से जवाब बताएं, शाबाश। क्या आएगा, 12 है तो क्या आएगा, ठीक है, 1 बज, आप लोग जो है दूसरे जो आपके नंबर्स हैं उनके अंदर भी आप लिख के भेज सकते हैं, 12वां, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, 12 है तो 12वां आएगा। ठीक है, इसी तरह 13 है तो क्या आएगा, 13वां आएगा, ये अददी गिनती हमारे पास है। ठीक है, 13वां आएगा, उसके बाद 14 है तो क्या आएगा, 14वां आएगा। ठीक है, 14वां आएगा, 15 है, 15वां आएगा, 16 है, 16वां आएगा। ठीक है, 17 है, 17वां आएगा, 18 है, 18वां आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इस अद्दी गिनती को जो है वो मुकम्मल करना है। तो आज का आपका होमवर्क क्या है, पहले जो हमने सफा नंबर 19 पे किया, आपने सवाल नंबर 3 को अपनी बुक के ऊपर ही करना है, इसी तरह से सवाल नंबर जो 5 है उसको भी आपने अपनी बुक के करना है, जो आपने मसवते जो है वो दरमियान के लफ्ज को बदल के जो लिखने हैं, और सवाल नंबर 4 जो है वो आपने अपनी कॉपी पे करना है। इसी तरह सवाल नंबर 6 5 जो है ये, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7 जो है ये भी आप दोनों ने अपनी कॉपीज पे करना है। के दोनों के जुमले, एक के जो के ता किसी बयान को वाजिया करता है, और दूसरा के जो के किसी ताल्लुक को जाहिर करता है, दोनों के 5-5 जुमले बना के साफ सुथरी लिखाई में आपने अपना
कॉपी वर्क जो है मुकम्मल करना है। और इसी तरह से सवाल नंबर 8 जो है अददी तरतीब आपने जो लिखनी है उसको भी आपने अपनी किताब के ऊपर ही लिखना है, ठीक है। तो मंडे को ये आपका होमवर्क है, मंडे को मैं ये सब काम आपका चेक करूंगी। अभी आप सब जो है अपनी किताबें खोल लें सफा नंबर 21 पे, इससे अगला ही सफा नंबर 21 है। और आप लोग जल्दी से मुझे बताएं चैट बॉक्स में कि जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है तस्वीरी कहानी के ऊपर, उन्होंने एक उन्वान लिखा है, तस्वीरी कहानी के ऊपर एक उन्वान आ रहा है, आपको तस्वीर नजर आ रही है, तो इसको देख के जो है वो आपके जहन में क्या बात आ रही है, आप लोग जल्दी से मुझे आंसर करेंगे, क्या बात आपके जहन में आ रही है इसको देख के, तस्वीरी कहानी को बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने कलरफुल जो है वो पिक्चर्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो इनको देख के आपके दिमाग में क्या चीज आ रही है, क्या आपके जहन में आ रहा है कि किस चीज के लिए क्यों ये इन्होंने बनाया है और क्या आपके जहन में इसको देख के आ रहा है, ठीक है, ठीक है, शाबाश। एक बच्चे ने आंसर किया है सेरिना ने कि वी शुड कीप आवर एनवायरनमेंट क्लीन, शाबाश, बिल्कुल हमें जो है वो अपने घर को अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए। तो हमारे पास जो टाइम जो है अभी है 10 मिनट्स, ठीक है, तो मैं आपको जो है बता देती हूँ कि आपने ये काम कैसे करना है, हम इसको पढ़ेंगे। ये तस्वीरी कहानी दी है, जैसे मैंने एक दिन आपको किताबों पर तबसरा कर रहे थे उसमें मैंने आपको एक जो है वो रिसाला बच्चों का दिखाया था तालीम और तरबियत, तो उसके अंदर कहानियां या आप जो अखबार पढ़ते हैं उसके अंदर भी कार्टून्स की तस्वीरी कहानियां जो हैं वो बड़ी दिलचस्प अंदाज में जो है उन्होंने बयान की होती है और लोग बड़े शौक से पढ़ते हैं क्योंकि तस्वीरों की वजह से उनकी दिलचस्पी जो है वो उसके अंदर बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देखिए ये तस्वीरी कहानी लिखिए, अब आइए माहौल को साफ रखें, उन्होंने उन्वान क्या दिया, आइए माहौल को साफ रखिए, लेकिन अब हदायत क्या वो कर रहे हैं कि हर तस्वीर को आपने गौर से देखना है और जो मददगार अल्फाज पढ़िए हर तस्वीर के साथ उन्होंने हमें अल्फाज भी दिए हुए हैं और किरदारों के नाम आपने खुद सोचने हैं। आपने देखा हमने उफ मेरे दांत पढ़ा, उसके बाद भी हमने जो कल हमने नज्म की है साबुन की टिकिया उसके अंदर भी उन्होंने किरदारों का जिक्र किया है और किरदार होते हैं वो लोग जो होते हैं जो कि किसी भी मंजर को किसी ड्रामे के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं, तो किरदारों के नाम भी आपने सोचने हैं, खुद उसमें किरदार बनाने हैं और हर तस्वीर के साथ साथ चंद जुमले लिखकर कहानी को मुकम्मल करना है, ठीक है, और अपनी मर्जी का उन्वान भी दीजिए। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया झील की सैर है, ठीक है, झील की सैर है और माहौलियाती माहौल की सफाई, ठीक है, माहौल को साफ रखना भी आप कर सकते हैं, झील की सैर भी कर सकते हैं और जो है आबी आलूदगी से हम कैसे बच सकते हैं। अब ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं, आप अपनी मर्जी का उन्वान भी इसके अंदर लिखना है आपने, उसको पहले कहानी को आपने अपनी कॉपीज पे करनी है, कहानी को आपने सबसे पहले उन्वान देना है कि कहानी का नाम क्या है, आबी आलूदगी से बचाओ है या माहौल को साफ रखना है या हम माहौलियाती आलूदगी से कैसे बच सकते हैं, झील की सैर है, आपने इसी तरह से उसका नाम रखना है और इसी तरह से आपने देखें कितनी खूबसूरत तस्वीरें बनी हैं, इसी तरह से आपने खूबसूरत सी तस्वीरें बनानी है अपनी कॉपी के अंदर या आपके पास अगर अखबार में या किसी जगह पे पोस्टर्स हैं आप वो भी लगा सकते हैं तस्वीरें बनाकर जो है खूबसूरत से रंग करने हैं इसी तरह से, और आपने मददगार अल्फाज की मदद से कहानी बनानी है, ठीक है। कहानी हम कैसे बनाएंगे, सैर का प्रोग्राम है, झील है, लुत्फाना पुरसकून माहौल, खुशगवार मौसम। आपको है कि जब जो है अक्सर जब छुट्टियां होती हैं हर गर्मियों की छुट्टियों में आप अपने वालिदैन के साथ जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे पार्क्स में या घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाते हैं आपकी पसंदीदा जगह पे, और यकीनी तौर पे जो लोग जो हैं वो कराची में रहते हैं समंदर के पास रहते हैं वो समंदर की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, या हो सकता है आपके पास कोई नदी है कोई दरिया है वहां जाने का प्रोग्राम बनाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पार्क जो है वहाँ पे बने हुए हैं, तो आपने लिखना है कि हम
हमने जो है सैर का प्रोग्राम बनाया, अपने खानदान के साथ झील की सैर का प्रोग्राम बनाया, और आपने किरदारों के नाम लिखने हैं कौन कौन गया था, अम्मी अबू बहन भाई, या आप अगर अपने जो है चचा चची या उनके साथ भी गए वो भी आप लिख सकते हैं, या तस्वीर के अंदर आप एक फैमिली को देख रहे हैं, आप फैमिली अपनी फैमिली के बारे में लिखते हैं कि अम्मी अबू बहन और भाई उनके नाम लिखते हैं, उनके साथ हम सैर के लिए गए और जगह का नाम लिखें, और हमें वहां पे बहुत मजा आया, बहुत पुरसकून माहौल था, मौसम बहुत खुशगवार था, बहुत अच्छा मौसम था जिसकी वजह से हमें बहुत मजा आया। और देख सकते हैं आप तस्वीर में वो अपने साथ ईटेबल्स भी लेकर गए हुए हैं, खाने पीने की चीजें लेकर गए हैं, और तस्वीर के अंदर आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये देखें आपके खाने पीने की चीजों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्बेज जो है, गंद जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने फेंका हुआ है, वे देखें चीजों के वो ग्लास हैं, प्लास्टिक के हैं, इसके अलावा जो है फ्रूट खा के फेंके हुए हैं, जो है प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ये कपड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों ने इस तस्वीरों को गौर से देखना है, और हर चीज के बारे में आप कहानी में बयान कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगले सफे पे जाएंगे और हम देखेंगे कि हम जी ये कहानी जो है वो आप उर्दू बी की कॉपी के ऊपर जो है आपने लिखनी है, कहानी का उन्वान देना है और आपने इसको उर्दू बी की कॉपी के ऊपर लिखना है, ठीक है। अब हम अगले जो है वो सफे पे जाएंगे, आप सब लोग अपने जो है बुक पेज को टर्न करें। सफा नंबर 22 पे हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा आलूदगी की वजह से मसला हो रहा है, उन्होंने वो जो बच्चे गए हुए हैं वहां पे वो देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि माहौल की सफाई से लापरवाही, कुदरती माहौल का ख्याल न रखना, क्योंकि ये हमारी केयरलेसनेस होती है, हमारी लापरवाह होती है, क्योंकि एक हमारे हर जगह पे जो है वो कूड़ेदान पड़े होते हैं, तो हमें चाहिए कि जब हम किसी जगह जाते हैं अपने पास जो है हम शॉपर रखें और हम जो है अपना जो भी हम कूड़ा है, जो भी हम खा रहे हैं, रैपर्स हैं, हम उसके अंदर डालें और उसके बाद जो है उसको आते हुए अपने साथ लेकर आए और कोई जो हमें कूड़ादान नजर है उसके अंदर डालें, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कुदरती माहौल का ख्याल ना रखना माहौल की सफाई से लापरवाही है, कूड़े से पानी का आलूदा होना यानी गंदा होना, क्योंकि आबी हयात यानी पानी के जानवरों की जानों को खतरा, क्योंकि हम प्लास्टिक या कपड़े या इस तरह की चीजें जब फेंक देते हैं पानी के अंदर और उससे जो है वो आबी जानवर जो होते हैं पानी के अंदर जो रहने वाले जानवर हैं, जो मछलियां हैं उनकी जानों को और बहुत से जो जानवर पानी में रहते हैं उनकी जानों को खतरा होता है। तो अब जो बच्चे हैं वो देखे, उनको समझाया गया है, उन्होंने देखा है, उनको समझ आ गया है कहानी में, और देखे वो कितने बच्चे हमेशा जो है वो अपनी गलती मान लेते हैं, तो देखे बच्चों ने अपनी गलती को मान लिया है और गलती से पैदा होने वाली खराबी को वो दूर कैसे कर रहे हैं कि उन सब ने अब मिलकर, जैसे आप लोग स्कूल में अपनी ब्रेक में बहुत से बच्चे जो हैं वो एक गुड एग्जांपल देते हैं कि जाकर जो हैं वो आपके प्लेग्राउंड से जो हैं वो रैपर्स इकट्ठे करते हैं और एक गुड एग्जांपल वहां पे देते हैं, इसी तरह से इन सारे बच्चों ने देखे ये सारा जो कूड़ा है उसको वो इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने गंदगी के मसले को हल करने का फैसला किया है। इसी तरह से इन सारी जो चीजें हैं इनको आप अपनी कहानियों में लिखो, कहानी में लिखोगे कि हम इस तरह अपने वालिदैन के साथ गए और वहां पे ऐसा माहौल था और किसी एक शख्स ने जो है आपकी गलती की तरफ आपका ध्यान जो है वो दिलाया या आपने वहां देखा कि इतनी गंदगी फैली हुई है और आप सबने मिलकर जो है ना सिर्फ आपकी फैमिली ने बल्कि वहां पे जो लोग थे उनके साथ मिलकर जो है आप लोगों ने उस सारे जो है कूड़े को जो है इकट्ठा किया और अपनी गलती को सुधारा और इस तरह से आप दूसरे लोगों को भी कह सकते हैं कि आपको भी इसी तरह से माहौल को अपने साफ सुथरा रखना चाहिए। जब भी हम पार्क्स में जाते हैं, जब भी हम कहीं सैर के लिए जाते हैं, तो हम ना सिर्फ जो है अपने साथ जो है वो एक एक्स्ट्रा से हम जो है वो लेके जाएं शॉप लेके जाएं एक थैला लेके जाएं जिसके अंदर हम अपना जो सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको डालें और आते हुए उसको जो है वो डस्टबिन में फेंके, बल्कि दूसरे लोगों को भी बताएं, ठीक है। तो बेटा आपने ये पिक्चर्स जो है वो तस्वीरें जो है ड्रॉ करनी है अपनी कॉपी पे और फिर खूबसूरत सी कहानी लिखनी है। आपकी ये एक्टिविटी है तकनीकी, आपकी सलाह का पता चलेगा, ये नहीं कि आप बहुत लंबी कहानी लिखें, आप छोटी कहानी भी लिख सकते हैं। अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, बामानी आपने जुमले लिखने हैं और इससे सीखना है, इसको ना सिर्फ आपने यहाँ बुक से लिखना है कॉपी के अंदर बल्कि इसको अपनी जिंदगी में भी शामिल करना है कि अपने घर में भी आपने हर चीज को साफ सुथरा रखना है, अपने माहौल को भी साफ सुथरा रखना है और अगर किसी को आप देखते हो कि कोई जो है वो इधर उधर रैपर फेंक रहा है तो उसको भी आपने
समझाना है कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बेटा आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड। और आपको पता है ये भी कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी सफाई बहुत जरूरी है, ठीक है, ताकि आप जल्द अज जल्द जो है हमारा माहौल साफ हो और आप जल्द अज जल्द जो है वो अपने वालिदैन के साथ जो है दोबारा से जो है वो घर के बाहर जो है आप दोबारा से जो है उसी तरह से अपने रूटीन के कामों को शुरू कर सकें। तो आप सबने अपना बहुत ख्याल रखना है और अपना सारा काम वक्त पर करना है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।